हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और अभी मैं काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैंने रेगुलर किया है अपने यूट्यूब पर, और डेली अभी मैं अपलोड कर रही हूँ ब्लॉग्स को। और यही सब मैं कोशिश कर रही थी कि नया से नया कुछ अलग हट के ब्लॉग से कुछ कंटेंट मैं बनाने की कोशिश करूं। बट मैं सर्च कर रही थी यूट्यूब पे कि क्या कुछ आज ट्रेंड में चल रहा है, तो वही सब मैं देख रही थी कि या बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी यूट्यूब पर आजकल फैली हुई है। कई लोग लाइव करते हैं जिसमें गंदी गंदी तरीके से मालिश और उस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और क्या नाम है, मतलब बहुत गंदी तरीके से। एक बंदी की मैं लाइव में चली गई थी बाई चांस, और वो अपने कुर्ते में हाथ डालकर और बहुत गंदी तरीके से मसाज कर रही थी, और बहुत गंदा लग रहा था वो चीज़ को। और मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसे चैनल्स अभी यूट्यूब पे हैं ही क्यों। और कुछ चैनल्स ऐसे देखे मैंने, और मतलब कैमरा को वो सेटअप इस तरीके से करते हैं कि बैठते हैं तो उनकी मतलब सब कुछ सी थ्रू हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा वो गंद मतलब देखने लायक भी नहीं होता है। सो ऐसे थंबनेल और इस टाइप के कंटेंट आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। बहुत सारी लाइव चली हूँ इस तरह की, और तो यूट्यूब इन सब पे क्यों कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और उन जैसी लाइवों उन जैसी वीडियोस को 4-4, 5-5 लाख 1-1 मिलियन तक व्यूज़ आ जाते हैं। और जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जैसे मतलब न्यू बिगनर्स हैं जो मतलब बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल भी वायरल नहीं होती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं। 100, 200, 500 इससे ज़्यादा व्यूज़ तो आने ही नहीं है किसी वीडियो में। तो क्या मतलब ये क्या एग्जांपल सेट हो रहा है यूट्यूब पर कि इस तरह की जो गंद फैलाएंगे वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, या तो जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो इस तरीके का चीप हरकतें कर रहे हैं आजकल की, डिवोर्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। मैंने आप लोग भी कहोगे किसी के आप फैमिली के बारे में आप क्या जानते हो, तो मुझे भी यही चीज़ लगी थी जब लोगों ने उनको फेक बोला था और फेक ये मतलब व्यूज़ के लिए ड्रामा बोला था, तो मैंने भी उनको यही बोला था। लेकिन जब उन्होंने मतलब अभी एक दो ब्लॉग्स मैंने उनके देखे हैं, तो वो कैम मतलब उनकी एक दो क्लिप ऐसी आई हैं जिसमें वो कैमरे के पीछे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियोस में जिस तरीके से उन्होंने अपने हस्बैंड को लेट डाउन किया बहुत गंदा था। इस तरीके से कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। सिर्फ व्यूज़ के लिए ये लोग इतने भूखे हो गए हैं, या तो जो बिल्कुल बिगनर्स आ रहे हैं, कुछ बिगनर्स आ रहे हैं इस तरीके के जो इतनी गंदी तरीके से लाइव और ये सब वीडियोस बना रहे हैं, और क्लीनिंग वीडियोस बनाते हैं या कपड़े धोने का वीडियो बनाते हैं, वो इतनी गंदी पोजीशन में बैठकर बनाते हैं, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई होप आप मतलब आपके भी सामने एक आध ऐसे वीडियोस आए ही होंगे, अगर आप लोग मतलब कुछ न्यू सर्च करेंगे तो उसमें आएगा इस तरीके की, सजेस्ट करता है यूट्यूब। मुझे इस चीज़ पे बहुत आश्चर्य हो रहा है। नॉर्मल जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं या ब्लॉग्स बनाते हैं या फिर कोई किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनके वीडियोस नहीं वायरल होते, उनके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, उनको मतलब किसी के सजेशन में नहीं डालता है यूट्यूब। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा लग रहा था कि क्या करना चाहिए यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे मतलब सक्सेसफुल होना, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स गेन करना इतना मुश्किल है। और पता है, एक बंदी तो बोल रही थी मैं बहुत उसे मसाज करके दिखाऊंगी अगर आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप जानते हैं वो दूसरा चैनल कौन सा था जिसपे भगवान की चीज़ें चल रही थी। तो मतलब किस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं लोग, क्या मतलब कितनी गंदी सोच है उन लोगों की। एक तरफ आप ये वल्गैरिटी कर रहे हो, एक तरफ आप सीधे भगवान की वीडियोज़ वगैरह चला रहे हो, तो कितना गंदा इफेक्ट उस पर आएगा। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ख़राब लग रही थी, मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए इन चीज़ों पे, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया। आप लोग क्या राय रखते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो या तो बड़े क्रिएटर्स बढ़िया हैं, या फिर क्या कहते हैं इस तरीके के जो चीप वीडियोस बना रहे हैं वो लोग, क्योंकि इन लोगों के वीडियोस जो डिवोर्स वगैरह इस तरह की स्टंट ये लोग करते हैं उसमें इनके व्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, या फिर ये वल्गैरिटी ये लोग दिखाते हैं उसमें इनके व्यूज़ एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाते हैं, मतलब लाखों में व्यूज़ आते हैं। एक लाइव में कुछ भी नहीं होता है, बस
कभी कुछ ऐसे बैठना, कभी कुछ वैसे बैठना, वो सब दिखाते हैं और इतना गंदा होता है, कभी कभी तो पेंट्री भी दिख रही होती है ऐसे लोगों की। उसके बावजूद वो क्या कहते हैं, उस पर व्यूज आते हैं, इतने इतने मिलियंस व्यूज आ जाते हैं। सो इससे पहले भी मैंने एक बार इस चीज़ पे बात किया था, मैंने अपने बेटे की मतलब विहान की बहुत पहले एक मसाज की वीडियो डाली थी, तो वो वीडियो पर येलो डॉलर कर दिया था, डीमोनिटाइज कर दिया था उस वीडियो को, ये कहकर कि आपकी वीडियो अच्छी ठीक नहीं है, मतलब मोनिटाइजेशन फ्रेंडली नहीं है, एड फ्रेंडली नहीं है। सो वो वीडियो मेरी हट गई थी यूट्यूब से। तो इस तरह की जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं उन लोगों को YouTube कैसे प्रमोट कर सकता है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। आप लोग क्या राय रखते हो इस चीज़ पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप मेरी बात आप सभी तक पहुंची होगी। आप लोग क्या राय रखते हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। मुझे आप सभी के हेल्प की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी गाइस। सो बाय।